अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब खैर ऑफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूअर्स, पार्लर जाना तो सबका ही मसला है, लड़कियाँ हों या लड़के हों। पार्लर भी जाना है, फेशियल भी करवाना है, और फेशियल से जो बाल हमारे ब्राउन हो जाते हैं वो ब्राउन भी ना हों, ये भी सबका मसला है। तो व्यूअर्स, आज की रेमेडी मेरी इसी टॉपिक के ऊपर है, इसी मौजू के ऊपर है कि मैंने सोचा कि आपके साथ ये ज़बरदस्ती रेमेडी शेयर कर दी जाए कि आप ऐसी क्या चीज़ अप्लाई अपनी यूज फेस के ऊपर, अपनी पॉलिशर में अप्लाई यूज़ करें तो उससे आपके बाल स्किन के ब्राउन ना हो, फेशियल हेयर्स आपके ब्राउन ना हो, ठीक है, चेहरे के ऊपर, हाथों पाँव के ऊपर। क्योंकि भी बुरे लगते हैं जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इरीटेट होते हैं इस प्रॉब्लम से कि इतने ज़्यादा ब्राउन होते हैं। हमारे रिश्तेदार पूछ रहे थे कि शायद पॉलिशर करवा के रंग गोरा हो गया, अला बिला, इस तरह की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। तो व्यूअर्स, आज मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी आसान सी टिप है, छोटी सी एक चीज़ है, बहुत ही माइनर सी, बहुत ही सस्ती, बहुत ही चीप, 10 रुपये की इस चीज़ से आप अपने इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। बस आपने अपनी स्किन पॉलिश में, अपनी ब्लीच में जस्ट इस छोटी सी चीज़ को ऐड करना है और इंशाल्लाह आपके चेहरे के ऊपर से बाल, हाथों के ऊपर से बाल 100% गारंटेड है। ये मेरा अजमूदा ये फॉर्मूला है कि आपके बाल कभी भी ब्राउन नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है व्यूअर्स कि अपनी आपने ले लेनी है कोई भी पॉलिशर जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका आपने थोड़ा सा बूस्टर, जैसे आप अपनी बनाते हैं पॉलिशर उसी तरह से आपने इसको ले लेना, ठीक है, और साथ आपने वही जितना आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो भी आपने ले लेना है। और जो अमेजिंग और मैजिकल चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है फेयर एंड लवली, ठीक है। 10 रुपये का आप साशे ले लीजिए, अगर आपके पास जार है जार ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपने जस्ट ये आपने लेनी है और आपने अपनी पॉलिशर के अंदर, अपनी ब्लीच क्रीम के अंदर आपने जस्ट 1 चम्मच भर कर इसका ऐड कर देना। तो व्यूअर्स, आपने ये फेयर एंड लवली का आप चाहे साशे ले लीजिए एक, ठीक है, वो पूरा का पूरा आप इसमें ऐड कर देना, 1 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है, और इन सबको आपने कर लेना है मिक्स। ये एक छोटी सी माइनर सी बहुत ही सस्ती चीज़ से आप अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी सी आपकी मिक्स हो चुकी है, ठीक है। अब आप, मैं आपके सामने इसको अप्लाई करूँगी और ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो ये बाल आपको ब्लैक नज़र आएंगे, चूँकि ज़्यादा है ही नहीं, तो मैं आपको अप्लाई के बाद दिखाती हूँ कि ये बाल इसी तरह से रहेंगे, ये बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ आपकी फेयरनेस में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, ये अपनी वर्किंग कम्प्लीटली करेगा लेकिन आपके फेशियल हेयर्स को ब्राउन नहीं करेगा, ठीक है। तो कुछ देर अप्लाई के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 1 मिनट के करीब टाइम हो गया है, ठीक है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी काफ़ी हद तक फूल चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाती हूँ और ये देखिए कि अगर आप देख सकते हैं तो इसके बाल, जो मेरे बालों बाल हैं बाजू के ऊपर, वो बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुए। ऐसा नहीं कि इसने मेरी स्किन के ऊपर असर नहीं किया, इफ़ेक्ट भी करेगी, ये आपकी ब्लीच का प्रॉपरली इसके ऊपर पूरा असर भी होगा, लेकिन ये आपके बालों को भी ब्राउन नहीं होने देगी, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अप्लाई नहीं की थी, यहाँ पर अप्लाई थी, जिस टाइम मैंने सिर्फ चंद सेकेंड ही लगाई है, लेकिन मेरा एक भी बाल ब्राउन नहीं हुआ जहाँ पर मैंने पॉलिशर को अप्लाई किया है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये चीज़ एक 100% आपका फॉर्मूला है, आप इसको अप्लाई कीजिए, आपके चेहरे के ऊपर ब्लीच के प्रॉपर असरात भी होंगे, आपकी स्किन के ऊपर पॉलिशर आपके फेस को क्लीन भी करेगी, आपकी जितनी भी गंदगी है वो निकालेगा भी, इसके ज़रिए निकल भी जाएगी, और फेशियल हेयर्स 100% गारंटेड है कि नहीं आएंगे, गोल्डन नहीं होंगे इंशाल्लाह, और आपको ये प्रॉब्लम भी झेलनी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जितनी चीज़ शेयर होती है उतना ही किसी का भला हो जाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए, इन्जॉय कीजिए, आप आज से इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे आप, आज से आपको ये फेस नहीं करना पड़ेगा कि जी हमारे चेहरे के सारे बाल ब्राउन हो चुके हैं। तो मिलते हैं नई मज़ेदार सी अमेजिंग वीडियो के लिए के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।